हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा मैंने आप सभी को प्रॉमिस कर रखा है कि मैं डिटेल वीडियो हर एक टॉपिक पर डिस्कस करूंगी, एंड सिंस जैसा आप सभी को पता है हम अभी HTML लैंग्वेज सीख रहे हैं। सो आई होप अभी तक जितना वीडियो अपलोड हुआ है उसमें से आपने कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सीखे होंगे अबाउट दी HTML। एंड यस, मैं एक बात और कहना चाहूँगी HTML के बाद, आई होप सो कि हम अनदर लैंग्वेज की बात करें या हम कुछ टेक्निकल थिंग्स की बात भी कर सकते हैं इन सम वीडियोस। सो यू नीड टू बी अपडेटेड विद दिस चैनल बिकॉज व्हाटसोएवर एंड व्हाट्सोएवर टॉपिक अवेलेबल होगा फ्रॉम माय साइड वो सभी आपको इस चैनल पे मिलेंगे। सो फॉर दैट प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दैट इज सारांश टेक्निक। इन टुडेज वीडियो, अगर हम आज की इस वीडियो की बात करें तो हम बात करने जा रहे हैं HTML कैनवास के अंदर ग्रेडियंट एक्चुअली होता क्या है एंड कैसे हम ग्रेडियंट को क्रिएट करा सकते हैं। अगर मैं ग्रेडियंट की बात करूँ तो हैव अ लुक हियर, लेट्स नॉट फोकस ऑन ऑल दिस। मैं बात कर रही हूँ ओनली अभी बात ग्रेडियंट की करते हैं, या अभी जो कोड है आप इसे अभी भूल जाइए मैंने क्या लिखा है। सो एक ग्रेडियंट की बात करें, ग्रेडियंट से आप क्या समझते हैं? अगर मैं बात करूँ ग्रेडियंट की, डिफरेंट कलर्स के हम कह रहे हैं हमें ग्रेडियंट प्रोवाइडेड रहते हैं, कलर का ग्रेडियंट से क्या मीन्स है? अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ड्राइंग का, सो हम ड्राइंग में क्या कहते हैं? हमारे पास शेडो होती है, इजंट इट? अगर हम एक शेडो कह रहे हैं या हम कह रहे हैं हमारे पास ग्रे कलर है, सो मिक्सचर किस चीज़ का होता है? मिक्सचर होता है हमारा ब्लैक प्लस वाइट का, isn't it? So जब हम ब्लैक प्लस वाइट की बात कर रहे हैं, अगर हम इसी को ही डिफ्रेंशिएट करके लेट्स हैव अ लुक हियर, अगर मैं यहाँ पे डार्क में कलर कर दूँ अपना, क्या डार्क में मैंने इतना पोर्शन में कलर भरा है दिस में, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल राइट नाउ ऑफ द शेड, ओके? हम शेडो की एग्जैक्टली बात कैसे करते हैं लाइक दिस। अब मैं क्या कह रही हूँ, शेडो को ना सिर्फ हम ऐसे कह सकते हैं जो कि हमारा सिर्फ स्मॉल सेट ऑफ कलर को मिक्स करने के बाद जो प्रोवाइड होगा वो होगा, बाय हम ये भी कह रहे हैं शेडो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं नॉर्मल शेडो की बात करूँ तो आप सभी जानते हैं पर्सन अगर ओरिजिनल है तो उसकी शेडो बनती है। सिमिलरली अगर हम बात करें अपने अनदर शेडो की जो हम ग्रेडियंट से रिलेट कर रहे हैं वो क्या होगा, लाइक दिस, यहाँ पे हमारा लाइट कलर में क्या शो होगा? लाइट कलर में शो हो रहा है हमारा ये पर्पल कलर, हमने ये लाइट कलर में से शो करा है। लेट्स टेक इट दिस, हम कह रहे हैं ये जो हमारा पर्पल कलर है, यहाँ हम कह रहे हैं यस इट इज़ पर्पल। सो हम कह रहे हैं जो हमारा डिफरेंट शेड दे रहा है वो क्या दे रहा है? डिफरेंट शेड हमारे एक ही कलर का हम ले रहे हैं, देर इज़ नो सच इसका कोई लाइट शेड नहीं है, दैट्स वाई आई एम टेकिंग येल्लो पेन। सो आप येल्लो पेन को एज एन एग्जाम्पल ऑफ इसका जो शेड है, इसका जो कॉन्ट्रास्ट हम कह रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट को जब हमने लाइट कर दिया है अपने कलर के, सो वो हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है? प्रोवाइड करा रहा है हमें लाइट पेन। यू कैन टेक दी एग्जाम्पल ऑफ एनी हेयर, वेट हेयर, सी हेयर में अगर आपसे दिखाऊँ ये हमारा क्या है, देख सकते हैं आप हमारा शेडिंग दे रखी है, डिफरेंट शेड्स दे रखे हैं एंड इनके डिफरेंट डॉट दे रखे हैं। व्हाट डज ए डॉट मीन्स, ये कितना मोटा आपका पेन चलेगा, बट हे आप देख सकते हैं जो येल्लो कलर है इसकी अगर हम कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो हम इसे कॉन्ट्रास्ट को लाइट करा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं ये कलर डार्क है और ये कलर हमारा लाइट है, दैट इज़ ये हमें एक ग्रेडियंट प्रोवाइड करा रहा है, एक शेडो का डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करा रहा है फॉर एनी वर्क। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इस ग्रेडियंट की इन HTML, सो हम क्या कह रहे हैं? अगर मैं HTML के अंदर बात करती हूँ ग्रेडियंट की, सो हम जब कैनवास प्रोवाइड कराएंगे, सो कैनवास हमारा ना सिर्फ कलर प्रोवाइड कराएगा हमारे शेप्स को, हम कह रहे हैं अगर हम सिर्फ ओनली ज्योमेट्री बना दें सो इट्स लुक लाइक कि अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम इसमें कलर फिल करा दें, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, अगर हम इसमें कलर फिल करा दें सो इट्स लुक बेटर।
इजेंट इट। सो जो कलर की फिलिंग है दैट इज़ हम किसी भी ज्योमेट्री की अगर हम फिलिंग की बात कर रहे हैं सो हम कर सकते हैं अपने ग्रेडियंट को क्रिएट करा के ना। अब इसमें ये देखते हैं कि हम ग्रेडियंट कैसे क्रिएट करा सकते हैं। ग्रेडियंट हम कैसे क्रिएट करा सकते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया है GRD मीन से जिसमें हमने एक CTX लिया है। जो CTX है वो क्या डिफाइन करा रहा है, हमारे कैनवास को डिफाइन करा रहा है। इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ऑल दीज एंड दीज थिंग्स टू इन अ प्रीवियस वीडियो। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट। दैट्स वाई मैं आपसे सभी से कहती हूँ कि सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देख के आए बिकॉज जो प्रीवियस वीडियो से लिंक कंटेंट है वही आपको आगे आने वाली वीडियो में प्रोवाइडेड रहता है। सो नेक्स्ट ईयर इज, अब आप देख सकते हैं हमने ये फंक्शन यूज़ करा है। ये जो फंक्शन है इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है, अगर मैं ज़ीरो की बात करूँ, ज़ीरो एंड वन की बात करूँ, इसका मीन्स क्या है, दैट इज़ स्टार्टिंग पॉइंट। जो हमारा ज़ीरो है यहाँ से हमारा क्या होगा, कलर स्टॉप हो जाएगा, दैट इज़ रेड स्टॉप होके हमारा वाइट स्टार्ट हो जाएगा। सो डिफरेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं ज़ीरो एंड वन, एंड जो रेंज होगी वो बिटवीन ज़ीरो एंड वन ही होगी, अदरवाइज आपका ग्रेडियंट का जो शेड है वो प्रोवाइडेड नहीं होगा। हमने रेड एंड वाइट क्यों लिया है, सपोज़ कीजिए हमारा रेड कलर है, देन आफ्टरवर्ड्स ये हमारा हल्का सा शेड हमारा वाइट कलर का प्रोवाइडेड रहेगा। सो दैट्स वाज द डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रेडियंट कलर जो हमने प्रोवाइड किए। नेक्स्ट वेट हियर, अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फिल कर रहे हैं अपने ग्रेडियंट को। उस ग्रेडियंट को फिल किसके अंदर कर रहे हैं, उस ग्रेडियंट को फिल हम एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं। दैट इज फिल स्टाइल वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हेयर, एंड हेयर इज द फिल स्टाइल का मतलब ये होता है कि ग्रेडियंट जो हमने प्रोवाइड किया उसको हम अपनी जो कंटेक्स्ट है अपने कैनवास का उसमें हम प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड ये जो फिल है वो फिल क्या है, फिल है हमारा वो रेक्टेंगल, एंड वी हैव ऑल्सो अवेयर ऑफ कि हम कैसे एक रेक्टेंगल क्रिएट करा सकते हैं। नेक्स्ट हेयर इज सेम फॉर आर सर्कल, सर्कल के अंदर हम ग्रेडियंट का कलर कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, दैट टू हेयर इज मेंशन। सो आई होप ऑल यू आर गेटिंग माई पॉइंट हेयर कि कैसे हम ग्रेडियंट बना सकते हैं। नेक्स्ट हेयर है वालू, अगर मैं बात करूँ क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट एंड क्रिएट रेडियल ग्रेडियंट, व्हाट डज दिस टू डिफरेंस मींस हियर, आप देख सकते हैं हमने क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट यूज़ किया है, यहाँ पे हमने क्रिएट रेडियल ग्रेडियंट। दैट इज़ रेडियल का मीन्स हम कह रहे हैं एज एन सर्कुलर ग्रेडियंट जो हम सर्कुलर पाथ के अंदर प्रोवाइड कराएंगे। दैट इज वन मोर थिंग आई नीड टू डिस्कस हियर, ज्योमेट्री क्रिएट करना एंड ग्रेडियंट क्रिएट करना इज टू डिफरेंट थिंग्स। ग्रेडियंट हम डायरेक्ट क्रिएट करा सकते हैं विदाउट डिफाइनिंग आर ज्योमेट्री, दैट टू कान पॉसिबल बिकॉज हेयर हमने अपनी ज्योमेट्री डिफाइन कराई है फिल रेक्टेंगल से। दैट इज जो पर्टिकुलर रेक्टेंगल है वो फिल हो रहा है हमारा, एंड उसका जो ग्रेडियंट है वो किस शेप में जाएगा वो हमने प्रोवाइड कराया था। दैट इज इट इज़ रेडियल एंड दैट इज इट इज़ लीनियर। सो आई होप ऑल यू आर गेटिंग माई पॉइंट हेयर, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ग्रेडियंट। So have a look here. Wait for a while. मैं आपको ये सेट ऑफ कोड प्रोवाइड करा रही हूँ फॉर आर ग्रेडियंट जो हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे कैसे हम इसे यूज कराते हैं। So have a look here. So आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक क्या क्रिएट हुआ, हमारा क्रिएट हुआ है ग्रेडियंट, एंड ये जो हमारा ग्रेडियंट है अब आप देख सकते हैं इसका शेप दैट इज़ ए लीनियर। लीनियर क्यों है, हॉरिजॉन्टली देखें अगर आप इसे, हॉरिजॉन्टली आई एम टॉकिंग हियर अबाउट, सो आप देख सकते हैं ग्रेडियंट का हमारा कलर चेंज हुआ है फ्रॉम रेड टू वाइट। दैट इज इनिशियली इट इज़ ज़ीरो, देन आफ्टर वर्ड इट इज़ गोइंग टू बी वाइट। दैट इज़ हमने ज़ीरो टू वन जैसे ही प्रोवाइड किया, ज़ीरो इज़ हेयर द कोऑर्डिनेट, सो फ्रॉम द ज़ीरो इट इज़ गोइंग टू बी रेड एंड फ्रॉम द एंड इट इज़ गोइंग टू बी वाइट। नेक्स्ट सेट ऑफ कोड की अगर हम बात कराते हैं, दिस इज फॉर आर लीनियर ग्रेडियंट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेडियल ग्रेडियंट, सो हैव अ लुक हियर विद द सेम सेट ऑफ कोड। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस, ये हमारा सर्कुलर पाथ स्पेसिफाई करा रहा है फॉर द रेड, एंड आउटसाइड पार्ट यहाँ पे हमारा शो करा रहा है वाइट।
लीनियर में हमने क्या देखा था, लीनियर में ओनली जितना हमारा हॉरिजॉन्टल था उसका जो लास्ट कवरिंग थी वो हमारा वाइट में चेंज हुआ था. सो दैट्स वॉज द डिफरेंस बिटवीन रेडियल ग्रेडियंट एंड आर लीनियर ग्रेडियंट. सो आई होप आपको समझ में आया हो कि क्या ग्रेडियंट होता है एंड हाउ कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम शेडो एंड हाउ डज द कॉन्ट्रास्ट गोइंग टू बी चेंज. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड यस गाइज एंजॉय. Please enjoy. Thank you so much. Have a nice day.